नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं कोविड संक्रमण, लंपी वायरस से बचाव और महिला एवं बाल अपराधों की समीक्षा पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पशुओं को लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है, जिससे पशुओं को लंपी वायरस से बचाने को लेकर सीएम योगी ने वृहद टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि पशुओं के मेलों पर रोक लगा दी जाए और साथ ही साथ कोविड संक्रमण को नियंत्रण में रखकर सतर्कता सावधानी जरूरी है। इसके लिए बाहर निकले तो फेस मास्क जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री के आदेश में कहा गया है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामले में पैरवी को लेकर भी सीएम योगी ने कहा कि अपराधी छूटना नहीं चाहिए। खबर प्रयागराज से है, जहां यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से खतरा काफी बढ़ गया है। वहीं देवरिया ग्राम सभा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे शवदाह गृह पानी में डूब गया है। बता दें कि बढ़ते जलस्तर से दुर्घटना होने की आशंका है, क्योंकि शवदाह गृह के ठीक सामने प्राचीन सुजावन देव मंदिर है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं मंदिर के पास बन रहे शवदाह गृह बनाने को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। गंगा नदी के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिससे लोगों का हादसा होने का डर लगा रहता है। संगम नगरी प्रयागराज में पंचायती राज विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के देवरिया गांव की, जहां पर करोड़ों की लागत से सौदा गृह बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है और ये देखिए नदी के बीचों बीच है। अब ये इसलिए भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरे का जो कारण बन सकता है कि यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सामने ही मंदिर है जिसको सुजावन देव नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग बोट से जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और आसपास के जो युवा हैं वो यहाँ पे आते हैं, यमुना नदी में स्नान करते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से जो सरिया है नदी के बीचों बीच निकली हुई है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसी एक बड़े दुर्घटना का कारण बन सकती है। किस तरीके से यह दुर्घटना का कारण बन सकती है, हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवक हैं और कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ ये जो सरिया है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यह लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है? सर, ये ना वो बच्चे यहाँ आते हैं नहाने के लिए, यहाँ नहाना नहीं तो सरिया है, लग सकता है नावों की दिक्कत है। नाव वाले आए तो नाव वाले देख के चले। हमारा नाम राम भजन निषाद है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। ये किसके माध्यम से बनाया जा रहा है? यहाँ तो ठीक है, काम हो रहा है, लाल साहब काम करवाते हैं यहाँ पे। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, लगभग कितने लागत का? अब ये तो हम नहीं बता सकते, पैसा तो काफ़ी खर्च इसमें हुआ है। हाँ, ये तो प्रधान जी जाने और लाल साहब जाने। बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखिए यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे युवा वर्ग आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, मंदिर में स्नान करने को जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़े दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक और युवा है हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? पड़ुआ से। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से? हम यहाँ पर नहाने आए हैं, सरिया की वजह से नहा नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये खतरा हो सकता है? और क्या, बहुत खतरा है इसमें। बिल्कुल, ये साफ तौर पे देखा भी जा सकता है कि निश्चित रूप से जो पंचायती राज विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है, ये सौदा गृह है जिसकी लागत करोड़ों के आसपास है। तो यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है, निश्चित रूप से एक बड़े परेशानी का कारण भी बन सकता है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर फिरोजाबाद की मोहल्ला खेड़ा से है, जहां एक युवक को पड़ोसियों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। मामूली विवाद के चलते लोगों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राम गुलाड़ी है, अभीर है, राम भरोसे है, लड़की ने मारा। सुखाबाद में खेड़ा मोहल्ले में एक राम गोपाल नामक 40 वर्षीय युवक के मृत्यु की अप्राकृतिक स्थितियों में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के द्वारा फोरेंसिक टीम के साथ तत्काल मौके का
निरीक्षण किया गया, सारी चीज़ों की जानकारी की गई और इस घटना के संदर्भ में तहरीर भी प्राप्त हो गई है। इसमें कुल 7 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें से 4 लोग मिले हैं जिनसे हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, शेष 3 लोगों की तलाश की जा रही है। गोंडा में वायरल और बुखार का पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं मौसम के बदलते तेवर के चलते वायरल और बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है। वहीं पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने वीडियो को संज्ञान में लेते ही मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। देखिए, कल एक उन्नाव जनपद के थाना बांगरमऊ में तैनात मुख्य आरक्षी का एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे निलंबित किया गया और एक जांच आदेशित की गई। जांच के दौरान ये पाया गया कि मुख्य आरक्षी का थाना गंगा घाट में तैनाती के दौरान पीड़िता से किसी कंप्लेंट को लेकर संपर्क स्थापित हुआ था और उसके बाद उसके द्वारा पीड़िता का शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया गया। पीड़िता से बात तक हमारे द्वारा भी की गई है, पुलिस अधीक्षक द्वारा भी की गई है और उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर प्राप्त तहरीर पर थाना गंगा घाट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ज्यादा भीड़ के चलते 2 श्रद्धालु की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं हादसे की जांच के लिए गठित की गई कमेटी वृंदावन पहुंची है। आपको बता दें कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ था, जिसको लेकर पूर्व DGP और अलीगढ़ मंडलायुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के समय 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। वहीं मंगला आरती के समय का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी महिला से अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है। जब ये वीडियो अधिकारी के संज्ञान में आया तो इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई, साथ ही SSP ने पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मथुरा में मंगला आरती के समय एक महिला के साथ बदतमीजी व छेड़खानी के संबंध में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें पहचान करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति जिसकी पहचान फायरमैन विक्रमवीर के रूप में हुई है के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसकी गिरफ्तारी करी गई है। संबंधित प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं राजघाट चौराहा पर कल्याण सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिजनों ने नरौरा बासी घाट पर हवन पूजन किया। इस हवन में अलीगढ़ सांसद और विधायक, बुलंदशहर विधानसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। खबर गोंडा से है, जहां पर मजुरा जना बनकट के पास 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया था। बता दें कि परिजनों का कहना है कि बच्चा 2 दिन से लापता था। वहीं परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है। आपको बता दें कि बच्चे का शव नहर में तैरता मिला। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर अयोध्या से है, अपना दल पार्टी की नेता विधायक पल्लवी पटेल अयोध्या पहुंची। बता दें कि 1999 प्रयागराज में हुए सोने लाल पटेल पर हमले और 2009 में हुई मौत की जांच की मांग की है। साथ ही अपनी मां राजमाता कृष्णा पटेल को Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग भी की है। पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुई, इस दौरान पल्लवी पटेल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा। आज इस ज्ञापन के माध्यम से, 3 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले 23 अगस्त 1999 को हुए इस दूसरे जलिया बाग वाले कांड में डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी और तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर
जो निराधार केस लगाए गए थे उनको बिना शर्त के वापस लिया जाए, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और कमेरा समाज अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हमने 17 अक्टूबर 2009 में एक एक्सीडेंट में खोया था। हम ये सब मांग करते हैं कि उनकी हत्या किन कारणों से हुई उसकी सीबीआई जांच करके समाज को उजागर किया जाए ये सत्य। तीसरी मांग हमारी ये है कि लगातार कमेरा समाज के आंदोलन अपना दल और इस आंदोलन को लगातार कुचलने का प्रयास किया गया है, और आज उस आंदोलन को लेकर के राजमाता कृष्णा पटेल जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, सदन तक आवाज उठाने का काम कर रही हैं। हम चाहते हैं हमारे ऐसे नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माता राजमाता कृष्णा पटेल जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। औरैया के अजीतमल तहसील के अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल पर हैं। दरअसल तहसील में कार्य करने वाले प्राइवेट कर्मचारी अवैध धन वसूली करते हैं, जिससे परेशान होकर हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते तहसील में दूर दराज गांवों से आने वाले लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक तहसील में कार्य करने वाले प्राइवेट कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे, तब तक समस्त अधिवक्ता हड़ताल जारी रखेंगे। चार के रोज में हम लोग बैठे हुए हैं, लेखपाल के बयान जो लिए जा रहे हैं गलत दिए जा रहे हैं, इनके बंद कराए जाने से तो प्रश्न बैठे हैं हम लोग। और अविवादित मुकदमे जो 6-6 महीने तक निर्णय नहीं होते हैं उनका निस्तारण करने के उद्देश्य हम लोग बैठे हैं। पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हो रहा है वो धनुकाई हो रही है। प्राइवेट कर्मचारी बैठे यहाँ पटल पे लेखपाल के यहाँ धनुकाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। श्रावस्ती में नवीन मॉडल पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम महदैया में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां दो अज्ञात बाइक सवार बदमाश 50,000 के ऊपर की नकदी दिन दहाड़े छीन कर भाग गए। सूचना मिलते ही तीन थानों की फोर्स सहित अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी। दो लड़के आए हैं जिनके पास एक पिस्तौल नुमा थी, जिसको इन्होंने देखा उसे डराया और इनको रोक लिया, इनका बैग छीनने लगे, फिर इन्होंने उसका विरोध किया, विरोध पर चिल्लाए भी, लेकिन ये गिर गए तो फिर इन्हीं के हेलमेट से उन्होंने उनके नाक पर और सिर पर मारा है, जिससे नाक में चोट आई और साथ में जो बैग था वो लेकर भाग गए हैं। तत्काल सूचना पर पुलिस हमारी पहुंची है, प्रभारी निरीक्षक नवीन मॉडर्न थाना, तिकौना के प्रभारी निरीक्षक और बलरामपुर के भी आ गए थे। ये सभी लोग गन्ने में कॉम्बिंग कर रहे हैं, जहां पर ये बदमाशों के भागने की सूचना है और छिपे होने की। औरैया के जनता इंटर कॉलेज अजीतमल के ग्राउंड परिसर में अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं स्पोर्ट्समैन सत्यपाल गुर्जर ने बताया कि अधिक से अधिक अग्निवीर सैनिक बनाना ही हमारे लिए उपलब्धि है। आपको बता दें कि सत्यपाल गुर्जर ने कई बार रैली भर्ती में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन अनफिट होने की वजह से सैनिक नहीं बन सके। अब स्पोर्ट्समैन ने सैनिक बनाने का जिम्मा उठाया है। इसमें अग्निवीर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, युवाओं को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति के लिए और बढ़ के ये करें कि जो कि दंगा न करें और लड़का अच्छे से तैयारी करें और देश की सेवा करें। जो कुछ दिन पहले अग्निवीर को लेकर विरोध किया जा रहा था, उसमें क्या था? उसमें यह है कि जब अग्निवीर का विरोध हो रहा था तो एक दो दिन समझ में नहीं आया था लड़कों के, युवाओं के, कि ये क्या है मुहिम। जब समझ में आया तो सभी लड़का अपने अपने तरीक़ा से युवा तैयारी करने लगे। गाजियाबाद के विकास भवन में प्रथम मंजिल पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी का दफ्तर है, जहां अधिकारी दफ्तर में सोते हुए नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। वीर सिंह जी जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी के पद पर यहाँ तैनात हैं और इनकी ये वीडियो पूर्व में भी वायरल होती रही है और इन्हीं अधिकारी के विरुद्ध महिला उत्पीड़न की भी जांच प्रचलन में है। अनेकों दफा इस संबंध में हमने इस विकास
मऊ के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद बाईपास रोड पर बने फातिमा कॉम्प्लेक्स को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर करीब 12 करोड़ 96 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया। वहीं परिवारजनों का कहना है कि मैंने इसे मेहनत की कमाई से बनवाया था। उनके ऊपर पूर्व में गैंगस्टर अवैध संपत्तियों का जो 14 एक गैंगस्टर एक्ट के साथ उस पर की कार्रवाई की जाए। आज ये जो मॉल है ये उन्होंने अज्ञात रूप से अवैध रूप से बनवाया है, जिसका उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। कितने कीमत की कार्रवाई की? कितने कीमत की लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत है जमीन से। अमेठी में मुसाफिरखाना ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बेसारा पूरब में बने इंडिया मार्क का टू हैंड में स्कूल जाने वाले बच्चों को मजबूरन दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जबकि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के ने कागजों पर 3 महीने पहले ही रिबोर कराकर भुगतान भी करा लिया है। वहीं दूषित पानी पीकर आए दिन शिक्षक और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसके बाद अब BSA और स्वास्थ्य टीम को जाँच के लिए भेज दिया गया है। हम स्कूल के रसोइया खाना बनाते हैं। हाँ। यहाँ पानी को लेकर के क्या समस्या है? यहाँ पानी बहुत पीला है, सुबह पानी नलका चलावे तो बहुत गंध देते हैं और पानी जैसे तेलहन है सुबह का पानी, और के बाद बच्चे चला दे तो कुछ पानी सही आवत है। ये कितना दिन से समस्या है? स्कूल नहीं खुला ना के पहले से है, जो है बच्चे बीमार होते रहते हैं। क्या चाहते हैं? हमको भी सर इसमें जो है लगभग जून में टाइफाइड हो गया था, उसके बाद जो है सर हमने कई बार जो शिकायत प्रधान को ही बताया, प्रधान करवा दीजिए। प्रधान जी अभी जो है 19 तारीख को इसका इसके पहले फर्श तोड़वा दिए थे, उस करवाए थे, उसके बाद उन्होंने फर्श बनवाया अभी कल, उसके बाद अभी कोई और काम इसके अंदर नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नई पाइप डलवा देंगे, ऐसे बोलते थे लगभग का तो 3 महीना हो गया कहते कहते। सर यही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, हम लोगों ने कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया और जो यहाँ पर बार बार ARP सर आते रहे हैं या गांव के जो प्रधान हैं यहाँ के गार्जियंस को भी अवगत कराया गया, लेकिन इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया। अभी भी वही पानी बहुत अति दूषित है, यही पानी जो है खाने में जो है और पीने में यही बच्चे सेवन कर रहे हैं, हम लोग भी इसको पी रहे हैं और आए दिन हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, अभी भी मैं बीमार चल रहा हूँ। माध्यम से ये संज्ञान में आया था कि ब्लॉक मुसाफिर खाना में बेसारा पूरा एक ग्राम पंचायत है जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय में बिना रिबोर कराए पैसा निकाल लिया गया है, तो उसके लिए हमने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। जो रिबोर नहीं हुआ था वहाँ पर खराब पानी की शिकायत थी, वो रिबोर भी करा दिया गया है, और जहाँ तक दूषित पानी पीने से बच्चों की और शिक्षकों की तबीयत खराब होने का, उस संबंध में हमने एक जांच टीम गठित कर दी है जिसमें BSA और स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं जो ये देखेंगे कि किस प्रकार के पानी से, क्या दूषित पानी पीने से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। बदायूं में थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम लखनपुर में 50 वर्षीय युवक की रात में गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पुलिस अधीक्षक ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज अंतर्गत लखनपुर गाँव में तारा चंद है जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, ये अपने घर के बाहर बरामदे में घर में सो रहे थे, आज सुबह प्रातः मृत पाए गए और जब अवलोकन किया गया तो पाया गया कि किसी धारदार हथियार से मार करके इनकी हत्या कर दी गई है। परिजन इनकी हत्या की अज्ञात में तहरीर दे रहे हैं, इस संदर्भ में टीम गठित करके शीघ्र ही खुलासा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में हुए पलक उर्फ शानू हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल मामले में 13 साल के सनकी किशोर ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए एक महिला का कत्ल कर दिया था। वहीं अब खुलासा हुआ है कि नाबालिग किशोर महिला से एक तरफा प्यार भी करता था। अब 14 साल के आसपास उस बच्चे की उम्र है और चूंकि और कोई तीसरा उसमें मौजूद नहीं है,
बाई दे हो सकता है इस तरह की कोई बात हो, लेकिन जो घटना हुई है उसका उसकी मुख्य वजह ये है कि उससे कुछ उसने 500-700 रुपए ले रखी थी, जब वो मांगता था तो डांट के भगा देती थी और उस दिन उसको थप्पड़ मार दिया था, जिस आक्रोश में आक्रोशित होकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।